नमस्कार, मैं हेमलता डावी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिजाइन, राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में कार्यरत हूँ और आज ई लेक्चर के तहत फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट स्ट्रक्चर टेक्सटाइल डिजाइन के टॉपिक ऑर्नामेंटेशन ऑफ प्लेन वी फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्नामेंटेशन ऑफ प्लेन वीव फैब्रिक, सादा बुनाई के वस्त्रों का अलंकरण करना। मनुष्य की प्रकृति हमेशा एक सी नहीं रहती है, वह समय, फैशन, वातावरण और अवसर के अनुसार बदलती रहती है। वस्त्र के कलर, किस्म, डिजाइन व फैशन आदि मनुष्य को प्रभावित करता है। वस्त्रों से मनुष्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। सुंदर और आकर्षक परिधान व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। वस्त्र का किस प्रकार से अलंकरण किया जाना है, यह निम्नलिखित बातों के ऊपर निर्भर करता है। द पर्पस ऑफ द क्लॉथ, वस्त्र का प्रयोजन। वस्त्र किस प्रकार का बनाना है, यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उस वस्त्र का उपयोग कैसे किया जाएगा। यदि पहनने के वस्त्र बनाने हैं तो उसका प्रयोग अलग तरह से किया जाता है, उसी के अनुरूप ही धागों का चुनाव किया जाता है और उसकी बुनाई की जाती है और उसके पश्चात उसका अलंकरण किया जाता है। दूसरा, द मैकेनिकल मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, उत्पादन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीनरी। वस्त्र निर्माण के अनुसार ही लूम को तैयार किया जाता है। लूम की एक लिमिटेशन या सीमा होती है, जैसे प्लेन वीव, ट्विल वीव और साटन एंड सटीन वीव आदि साधारण लूम काम में लिए जा सकते हैं, क्योंकि 8 हील्स तक के डिजाइन के लिए यह लूम्स उपयुक्त होते हैं। लेकिन जटिल डिजाइन वाले वस्त्र जिसमें ज्यादा हील शाफ्ट की आवश्यकता होती है, उसके लिए डॉबी और जैकॉर्ड मैकेनिज्म काम में लिया जाता है। थर्ड, द काइंड ऑफ फिनिश दैट इज अप्लाइड टू द क्लॉथ, वस्त्र पर दी जाने वाली परिसज्जा। वस्त्र की उपयोगिता के आधार पर ही यह निर्णय लिया जाता है कि वस्त्र पर कौन सी परिसज्जा दी जाएगी। प्लेन वीव फैब्रिक्स को दो तरह से अलंकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, ऑर्नामेंटेशन ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसेस, बुनाई के समय वस्त्र का अलंकरण करना। सेकंड, ऑर्नामेंटेशन आफ्टर द वीविंग प्रोसेस, बुनाई के पश्चात वस्त्र का अलंकरण करना। पहले हम ऑर्नामेंटेशन ड्यूरिंग द वीविंग प्रोसेस के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। बुनाई से पूर्व वस्त्र को अलंकरण करने के लिए धागे काम में लिए जाते हैं। वह चार तरह से उसको अलंकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, ऑर्नामेंटेशन बाय यार्न्स, धागों द्वारा अलंकरण करना। धागों के द्वारा वस्त्र को चार प्रकार से अलंकृत किया जा सकता है। पहला, ए बाय यूजिंग कलर्ड यार्न, रंगीन धागों का प्रयोग करके, वार्प में या वेफ्ट में अथवा दोनों तरफ अलग अलग रंगों का प्रयोग करके हम वस्त्र को अलंकृत कर सकते हैं। स्ट्राइप्स और चेक्स इसके उदाहरण हैं।
बाय यूज, इसका बी पार्ट है, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न, विभिन्न वर्ग किस्म के धागों का प्रयोग करके, वार्प में या वेफ्ट में अथवा दोनों साइड में सिंगल यार्न, प्लाय यार्न या कॉर्ड यार्न का प्रयोग करके फैंसी इफेक्ट प्राप्त किया जा सकता है और वस्त्र का अलंकरण किया जा सकता है। सी, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड यार्न, विभिन्न प्रकार के ऐंठन वाले धागों का प्रयोग करके, इसमें हम एस या जेड ट्विस्टेड धागों का प्रयोग कर सकते हैं और टीपीआई यानी ट्विस्ट पर इंच में परिवर्तन करके वस्त्र का अलंकरण कर सकते हैं। डी, बाय यूजिंग डिफरेंट क्लास ऑफ यार्न्स, विभिन्न वर्ग के धागों का प्रयोग करके, अलग अलग वर्ग के धागे जैसे कॉटन एंड वूल, कॉटन एंड सिल्क, वूल एंड बैंडमेड, वूल एंड सिल्क आदि धागों को मिक्स करके भी हम वस्त्र का अलंकरण कर सकते हैं। सेकेंड, ऑर्नामेंटेशन बाय रीड, रीड के द्वारा वस्त्र का अलंकरण करना, अलग अलग प्रकार के डेंटिंग ऑर्डर के प्रयोग द्वारा हम वस्त्र का अलंकरण कर सकते हैं। वी शेप की फैंसी रीड का प्रयोग करके फैब्रिक पर जिगजैग का प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। थर्ड, बाय यूजिंग डिफरेंट टेंशन इन यार्न, धागों में विभिन्न तनाव का प्रयोग करके, वीविंग के दौरान दो वार्प बीम का प्रयोग करके जिसमें ए बीम को थोड़ा टाइट और दूसरे बीम को थोड़ा लूज रख के वस्त्र में फैंसी प्रभाव उत्पन्न करके वस्त्र का अलंकरण किया जा सकता है। इसका बी है, बाय यूजिंग थिक एंड थिन यार्न्स, यानी मोटे व पतले धागों का प्रयोग करके, वाप या वेफ्ट में कोई एक धागा मोटा या पतला रखकर फैंसी इफेक्ट प्राप्त करके वस्त्र का अलंकरण किया जा सकता है। इसका सी पार्ट है, ईपीआई और पीपीआई में अंतर करके, बाय डिफरेंशिएट बिटवीन ईपीआई एंड पीपीआई। ईपीआई यानी एंड्स पर इंच और पीपीआई पिट्स पर इंच में अंतर करके भी वस्त्र का अलंकरण किया जा सकता है। फोर्थ, बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीव्स, विभिन्न प्रकार की बुनाई का प्रयोग करके, विभिन्न प्रकार की वीव जैसे प्लेन वीव, ट्विल वीव, साटन एंड सटीन वीव, उनके डेरिवेटिव्स, हनीकॉम वीव, डायमंड एंड डायपर वीव, मॉकलिनो वीव आदि का प्रयोग करके भी वस्त्र का अलंकरण किया जा सकता है। सेकंड, ऑर्नामेंटेशन आफ्टर द वीविंग प्रोसेस, बुनाई के पश्चात वस्त्र का अलंकरण करना। बुनाई के पश्चात वस्त्र को निम्न प्रकार से अलंकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, बाय यूजिंग डिफरेंट डाइज, विभिन्न प्रकार के रंजकों का प्रयोग करके, वस्त्र के वर्ग के अनुसार विभिन्न प्रकार के डाइज जैसे डायरेक्ट डाई, एसिड डाई, बेसिड डाई, वेट डाई, सल्फर डाई, रिएक्टिव डाई, डिस्पर्स डाई आदि का प्रयोग करके भी वस्त्र का अलंकरण किया जा सकता है। सेकंड, बाय यूजिंग टाई एंड डाई मेथड, वस्त्रों पर टाई एंड डाई व बाटिक का प्रयोग करके भी वस्त्र का अलंकरण
किया जा सकता है। थर्ड, बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिंटिंग मेथड, प्रिंटिंग के विभिन्न विधियों का प्रयोग करके। प्रिंटिंग के डिफरेंट मेथड जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग आदि का प्रयोग करके भी वस्त्र का अलंकरण किया जा सकता है। फोर्थ, बाय यूजिंग डिफरेंट फिनिशेज, विभिन्न परिसज्जाओं का प्रयोग करके। वस्त्र के अनुसार विभिन्न मैकेनिकल एंड केमिकल फिनिशेज का प्रयोग करके भी वस्त्र की संरचना को बदलकर उसको अलंकृत किया जा सकता है, जैसे कैलेंडरिंग फिनिश, नैपिंग फिनिश, एम्बॉसिंग भी फिनिश आदि। बाय यूजिंग फिफ्थ, बाय यूजिंग एम्ब्रॉयडरी एंड लेसिस, कशीदाकारी व लेसिस का प्रयोग करके भी वस्त्र को अलंकृत किया जा सकता है। सिक्स्थ, बाय यूजिंग डिफरेंट पेंटिंग्स मेथड, पेंटिंग्स की विभिन्न प्रकार के विधियों का प्रयोग करके भी वस्त्र को अलंकृत किया जा सकता है। बाय यूजिंग एप्लीक एंड पैचवर्क, सेवेंथ, एप्लीक एंड पैचवर्क के द्वारा भी वस्त्र को अलंकृत किया जा सकता है। एट्थ, बाय यूजिंग बीड्स, स्टार्स, गोटा पत्ती एक्सेट्रा, तारे, सितारे, गोटा पत्ती आदि के द्वारा भी वस्त्र को अलंकृत किया जा सकता है। थैंक यू।